नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30x40 स्क्वायर फीट हाउस प्लान के बारे में। इसका हम एस्टीमेट भी देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि लो कॉस्ट हाउस एस्टीमेट है। यानी कम से कम अगर आप 1200 स्क्वायर फीट का मकान बनाते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट में कम से कम कितना खर्च आएगा, ये मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। किस तरह से आपको कॉस्ट कटिंग करना है, किस तरह से आपको कॉस्ट सेव करना है, इसमें आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसका फ्लोर प्लान देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्लॉट की विड्थ 30 फीट है और उसकी जो लेंथ है वो 40 फीट है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेन गेट से एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पे मेन गेट शो नहीं किया है, तो यहाँ पे ये बाउंड्री वाल है और बाउंड्री वाल में हमारा मेन गेट आएगा। यहाँ से हम एंटर करते हैं पार्किंग एरिया में। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है आपके लिए। आप एक तो पोर्च बना सकते हैं, अगर आप पोर्च बनाते हैं तो सामने से आपको स्टेयर देना पड़ेगा, या फिर आप इसको पार्किंग या फिर आप पार्किंग एरिया पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप छोटी अल्टो वगैरह या छोटी कार पार्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ रहेगी वो 10 फीट के आसपास आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर हमने ये 3 फीट सामने से छोड़ा है, 2 फीट आपका लेफ्ट साइड से और 2 फीट बैक साइड से। यहाँ पर आपको एक स्टेयरकेस मिल जाएंगी जिसका साइज है 7 फीट 7 इंच बाय 13 फीट। तो यहाँ से हम स्टेयरकेस से इंटर होते हुए आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद हम पोर्च से इंटर होते हैं ड्रॉइंग रूम में। ड्रॉइंग रूम का जो हमारा साइज है वो 13 फीट 6 इंच बाय 11 फीट का है। ड्रॉइंग रूम में हमने छोटा रखा है, यहाँ पे आपका जैसे सोफा टेबल वगैरह या फिर आपका टीवी यूनिट वगैरह आराम से आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बेडरूम की बात करूँ तो यहाँ पर 11 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का एक बेडरूम मिलेगा, जिसमें से आपको जो वार्डरोब है वो वार्डरोब के लिए हमारा जो साइज रहेगा वो 2x9 फीट का हमने अलग से प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर 2x9 फीट का आपको वार्डरोब के लिए अलग से एरिया मिल जाएगा। वैसे अगर मैं वार्डरोब को मिलाकर रूम के साइज की बात करूँ तो उसका जो साइज हो जाएगा वो 12x13.5 फीट का हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद मास्टर बेडरूम की मैं बात करूँ तो मास्टर बेडरूम का जो हमारा साइज रहेगा, मास्टर बेडरूम का साइज यहाँ पर 12x13 फीट का है। यहाँ पर भी हमने 2x9 फीट का एक वार्डरोब प्रोवाइड किया है। अगर मैं वार्डरोब को मिला के एरिया देख लूँ तो 12x15 के आसपास इसका एरिया आ जाएगा दोस्तों। तो काफी अच्छा साइज है। मास्टर बेडरूम में हमने अटैच वॉशरूम भी प्रोवाइड किया है जिसका साइज है 4x7 फीट। यहाँ पे ये जो वार्डरोब है वो वॉल कैबिनेट भी बनाया हमने, मतलब वॉल भी दिया गया है। यहाँ पर आपको बीच में लॉबी एरिया मिल जाएगा, बीच में सेंटर में। तो लॉबी बीच में जरूर दे, कभी भी आप मकान बना रहे हैं तो छोटा सा सेंटर में एरिया जरूर दे लॉबी एरिया जो है, डाइनिंग एरिया, जिससे आप सभी रूम में जा सके। मतलब लॉबी एरिया हमारा सेंटर होता है, तो सेंटर से आप सभी रूम में जा सके इस तरह से लॉबी एरिया डिजाइन करना चाहिए। यहाँ पर हमने एक कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया है, इसका जो साइज है वो 4x8 फीट 3 इंच का है। वही अगर मैं किचन की बात करूँ तो किचन का जो हमारा साइज रहेगा वो 9 फीट 9 इंचेस का रहेगा। किचन भी एक अच्छा एवरेज साइज दिया है किचन का हमने, वेंटिलेशन भी अच्छा दिया है किचन में। दोस्तों अगर आप हमारी कंपनी के ड्राइंग डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप कम्युनिटी पोस्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमारी काफ़ी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम डेली फ्लोर प्लान और 3D एलिवेशन अपलोड करते रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 100+ डिज़ाइन मिल जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर आकर डिज़ाइन देख सकते हैं। हमारी कंपनी की ड्राइंग डिज़ाइन जो भी आपको रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर काफ़ी सारी डिज़ाइन आपको मिल जाएंगी जो भी हमारी कंपनी ने बनाई है। अब हम देख लेंगे दोस्तों इसका एस्टीमेट कैसा डिजाइन किया हमने देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो एक्सकेवेशन का जो क्वांटिटी आ जाएगा 2000 क्यूबिक फीट आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 12 कॉलम करने पड़ेंगे आपको, हर एक कॉलम का जो लेंथ विड्थ हाइट रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, यानी 5 फीट विड्थ 5 फीट लेंथ एंड 6 फीट हाइट। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी 2000 क्यूबिक फीट है, रेट रहेगा 6 रुपए पर क्यूबिक फीट और अमाउंट आ जाएगा 12000। इसके बाद फिलिंग की मैं बात करूँ तो प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंच की है, यानी 2.5 फीट की प्लिंथ हाइट रहेगी। यानी ग्राउंड लेवल से आपका जो फ्लोर लेवल रहेगा नीचे का वो 2.5 फीट का रहेगा। तो यहाँ पर जो इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 3000 क्यूबिक फीट की आ जाएगी। रेट रहा हमने 10 रुपए पर क्यूबिक फीट और अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपए। ये जो रेट रहता है वो मुरम प्लस लेबर कॉस्ट इसमें इंक्लूड रहता है। इसके बाद सीमेंट की मैं बात करूँ तो सीमेंट की क्वांटिटी 360 रुपए पर बैग आती है, रेट रहेगा 370 रुपए पर बैग और अमाउंट आ जाएगा 1,33,200 रुपए। देखिए सीमेंट का जो रेट होता है, या फिर सीमेंट हो, स्टील हो, सैंड हो, एग्रीगेट हो, हर मटेरियल का जो रेट होता है हर सिटीज का अलग अलग होता है। जैसे आप अगर यूपी बिहार से है तो वहाँ पे रेट अलग होगा, आप मध्य प्रदेश महाराष्ट्र है तो वहाँ रेट अलग होगा। तो रेट का वेरिएशन जरूर होता है दोस्तों, कभी कभी काफी ज्यादा हो जाता है रेट का वेरिएशन, इसीलिए आप अपने एरिया के रेट क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं स्टील की बात करूँ, लोहे की बात करूँ इस मकान में, तो यहाँ पे एक अच्छा हम लोहा प्रोवाइड करते हैं, तो 3500 केजी तक लोहा लग जाता है। देखिए अगर मैं कुछ गांवों की बात करूँ,
कुछ छोटे शहरों की बात करूं तो काफी लोग अभी भी 9x9 इंच का ही कॉलम प्रोवाइड करते हैं, 9x9 इंच का ही बीम प्रोवाइड करते हैं। ऐसी कंडीशन में स्वाभाविक है वहां पे स्टील कम आना स्वाभाविक बात है दोस्तों, क्योंकि लोग रिंग भी जो बनाते हैं वो 6mm के बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 2500-3000 के अंदर ही आपका स्टील लग जाता है। काफी लोग प्ले स्लैब में स्टील नहीं डालते हैं, यानी ग्राउंड फ्लोर में जो आपका स्लैब होता है नीचे का, वहां पर भी लोहा प्रोवाइड नहीं करते, तो ऑफकोर्स वहां पे आपके इस कंडीशन में लोहा काफी कम आ जाता है। रेट आज की कंडीशन का जो है स्टील का वो 55 रुपये पर केजी है, अमाउंट आ जाएगा इसका 1,92,500 रुपये। लोहे का रेट अगर आपको कुछ अच्छी कंपनी का लोहा परचेस करते तो उसका रेट 60-70 रुपये केजी भी होता है पर केजी। तो यहाँ पे मैंने एक एवरेज लिया जो जनरली पब्लिक यूज करती है और जनरली जो मार्केट रेट होते हैं उस हिसाब से, थोड़ा बहुत रेट में 4-5 रुपये प्लस माइनस हो सकता है, डिपेंड करता है लोकेशन पे। इसके बाद सैंड की मैं बात करूँ तो सैंड की टोटल क्वांटिटी 2400 क्यूबिक फीट की आ जाती है, इसमें वेस्टेज वगैरह हो रहा है तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है इसमें। 45 रुपीज के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 1,08,000। आप क्या अगर हो सकता है 50 रुपये पर क्यूबिक फीट का रेट हो तो आप 50 रुपये पर क्यूबिक फीट का रेट ले सकते हैं। 2400 क्यूबिक फीट से मतलब है मेरा 24 ग्रास यानी 24 ट्रैक्टर। एग्रीगेट यानी गिट्टी, यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं आप, गिट्टी मतलब जो कि हम कॉलम बीम स्लैब फुटिंग में यूज करते हैं, 1800 क्यूबिक फीट इसकी क्वांटिटी आएंगी, रेट रहेगा 25 रुपये पर क्यूबिक फीट और अमाउंट आ जाएगा 45,000 रुपीज। ठीक है दोस्तों, सैंड यानी बालू को लेकर एक और मैं बात क्लियर कर दूं यहाँ पे। अगर आपका कॉस्ट काफी, आपके इधर सैंड ज्यादा महंगी है जैसे 70 रुपये क्यूबिक फीट, 80 रुपये क्यूबिक फीट, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप आरसीसी वर्क यानी कॉलम बीम स्लैब फुटिंग में आप क्रश सैंड का यूज करें। क्रश सैंड काफी कम पैसों में मिल जाती है, इसका जो रेट होता है 25-30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से होता है, यानी आपको क्रश सैंड बड़ी मुश्किल से 2500 से 4000 के बीच में पर ट्रैक्टर के बीच में मिल जाएंगे, 4000-3000 रुपये पर ट्रैक्टर में मिल जाता है क्रश सैंड, तो आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फ्लाई एज ब्रिक की बात करूँ तो यहाँ पर फ्लाई एज ब्रिक की क्वांटिटी 19,500 आएगी। यहाँ पर सॉरी मैंने गलती से रेड ब्रिक्स लिख लिया था उसके लिए, तो यहाँ पर 19,500 के हिसाब से 19,500 जो क्वांटिटी आएगा 4 रुपए के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा इसका 78,000 रुपीज। देखिए यहाँ पर जो फ्लाई एज ब्रिक होती है यानी सीमेंट ईट होती है उसका रेट काफी कम होता है, इसका जो रेट होता है 3-5 रुपए के बीच में होता है, वही रेड ब्रिक्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो उसका रेट 7-12 रुपए के बीच में होता है, काफी महंगा होता है रेड ब्रिक्स, तो इसीलिए हमने कॉस्ट कटिंग करने के लिए फ्लाई एज ब्रिक यूज किया। फ्लाई एज ब्रिक यूज करने से आपके बिल्डिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, काफी लोगों के मन में सवाल जरूर होता है अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो इसमें यूज करने में या फिर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, रेड ब्रिक्स और फ्लाई एज ब्रिक को लेकर कंपेयर के बीच में मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया, तो आप वो देख लीजिए आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं लेबर रेट की बात करूँ तो टोटल आपका जो बिल्डिंग एरिया है या फिर मैं स्लैब एरिया कहूँगा तो 1200 स्क्वायर फीट का लिया है हमने, 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। यहाँ पर भी देखिए रेट अलग अलग हो सकते हैं, आपके गाँव में 150-160 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट हो सकता है, छोटे शहरों में आपका रेट 200-250 के बीच में होगा, बड़े शहरों में आपका 300 के ऊपर रेट होगा। इसके बाद विट्रीफाइड की मैं बात करूँ, विट्रीफाइड टाइल यानी फ्लोर टाइल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट वाली टाइल लगाएंगे, 2x2 फीट की हम नैनो विट्रीफाइड टाइल प्रोवाइड करेंगे। इसका जो क्वांटिटी आ रहा है 600 स्क्वायर फीट आ रहा है, रेट रखा है हमने 30 रुपये पर स्क्वायर फीट और अमाउंट आएगा 18,000 रुपये। देखिए अगर आपके यहाँ विट्रीफाइड टाइल थोड़ा महंगी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, अगर आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो और वहाँ पे आपकी विट्रीफाइड टाइल का रेट काफी ज्यादा हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर जरूर एनालिसिस करूंगा। इसके बाद सेरेमिक टाइल जो कि हम वॉल टाइल लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमें जो वॉशरूम में हमने टाइल्स प्रोवाइड किए वो 7 फीट तक नहीं करना है, हमें 3 या 4 फीट तक करते हैं तो हमें कॉस्ट फिर से हो जाता है और हमारा पर्पज भी क्लियर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सेरेमिक टाइल का क्वांटिटी आ जाएगा वो 250 स्क्वायर फीट का आएगा, यानी सेरेमिक टाइल हम जो वॉल में लगाएंगे बाथरूम में वो केवल 3 फीट तक लगाएंगे, जिसकी वजह से क्वांटिटी कम आ जाएंगी। 250 स्क्वायर फीट का जो अमाउंट आ जाएगा वो 7,500 आएगा, 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम टाइल परचेस करेंगे। इसके बाद टाइल फॉर किचन की अगर मैं बात करूँ तो किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हम टाइल लगाएंगे उसका अमाउंट आ जाएगा 1,500 रुपये। इसके बाद अगर मैं पोर्च टाइल की बात करूँ तो पोर्च टाइल का टोटल क्वांटिटी आ जाएगा 120 स्क्वायर फीट। यहाँ पर अगर मैं अमाउंट देखो इसका तो 3,600 रुपये इसका अमाउंट आ जाएगा दोस्तों, 30 रुपये के हिसाब से हम ये टाइल्स परचेस कर सकते हैं। इसके बाद टाइल फिटिंग चार्ज, तो टोटल जितने भी एरिया में हमने चाहे टॉयलेट हो, बाथरूम हो या फिर हमारा फ्लोर एरिया हो, हर एरिया में जहाँ पे भी हमने टाइल लगाई उसका क्वांटिटी आप इंक्लूड कीजिए तो टोटल 1,000 स्क्वायर फीट का टोटल क्वांटिटी आ रहा है, 12 रुपये के हिसाब से टोटल अमाउंट बनेगा हमारा 12,000 रुपये। इसके बाद लेबर चार्ज फॉर किचन प्लेटफॉर्म, देखिए जो किचन प्लेटफॉर्म है वो ग्रेनाइट करने बनाएंगे क्योंकि कॉस्ट सेव करना है हमें, तो यहाँ पर हम सादा वाला किचन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो कि कोटा स्टोन का होता है,
सिंपल सादा होता है, तो इसका कॉस्ट आपको विथ लेबर 5,000 के आसपास आ जाता है, इससे भी कम आ जाता है आपको, 2-3 हज़ार में भी बन जाता है। तो इसके बाद अगर मैं डोर फ्रेम की बात करूँ तो डोर फ्रेम टोटल 7 लगेंगे यहाँ पे, जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा, एज पर ड्राइंग हम चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे डोर फ्रेम लग रहे हैं उसके अनुसार यहाँ पे हमने क्वांटिटी ली है उसकी, 7 डोर फ्रेम रहेंगे यहाँ पे। 800 के हिसाब से आपको जो अमाउंट आएगा वो 5,600 रहेगा। देखिए यहाँ पे हम RCC डोर फ्रेम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर आप वुडन डोर फ्रेम प्रोवाइड करते हैं तो कॉस्ट ज्यादा आएगा। इसके बाद अगर मैं फ्लश डोर की बात करूँ तो फ्लश डोर की टोटल क्वांटिटी 5,000 है, यहाँ पे 5,000 के हिसाब से टोटल अमाउंट 25,000 आ जाएगा। इसके बाद वॉशरूम डोर की मैं बात करूँ, जो कि हम वॉशरूम में लगाएंगे, तो उसका क्वांटिटी 2 आ रहा है, 1500 के हिसाब से 3,000 रुपये इसका अमाउंट आएगा। यहाँ पे FRP डोर वगैरह लगाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो उसका अमाउंट ज़्यादा आ गया, इसीलिए यहाँ पे सस्ते वाले ही लगाए हमने। देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एक एल्यूमिनियम या मुझे मटेरियल के बारे में उतना पता नहीं, उसके एक सस्ता वाला आता है जो दोस्तों वॉशरूम के लिए डोर काफ़ी सस्ता होता है, वो 1500-1600 रुपये में मिल जाता है, तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं आप, कॉस्ट से हो जाएगा, और उसमें ऐसा कुछ नहीं कि क्वालिटी ख़राब होती है आपका, काफ़ी समय तक वो अपनी सर्विस अच्छी दे देता है। इसके बाद विंडो ग्रिल की मैं बात करूँ तो 5 ग्रिल का कॉस्ट 7,500 आएगा। इसके बाद स्लाइडिंग विंडो, जो कि हम ग्लास पैनल स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम मतलब 180-200 रुपये पर स्क्वायर फीट की अगर स्लाइडिंग विंडो प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो अमाउंट आ जाएगा वो 17,500 आ जाएगा। इसके बाद लोड विंडो की मैं बात करूँ तो लोड विंडो 2 रहेंगे, वॉशरूम में हम प्रोवाइड करेंगे, तो 2 विंडो का कॉस्ट 2,000 रुपये आ जाएगा। वाटर टैंक की अगर मैं बात करूँ तो वाटर टैंक 1,000 लीटर का 6,000 रुपये में पड़ेगा आपको, कंपनी पे डिपेंड करता है, हर कंपनी का अलग अलग रेट होता है। वैसे वॉल पेंट यहाँ पे सिंपल साधारण पेंट करते हैं, ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव पेंट नहीं करते, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 25,000 आ जाएगा, 25,000 में आपका पेंट हो सकता है। इसके बाद प्लम्बिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्लम्बिंग का आपका कॉस्ट आ जाएगा 15,000। प्लम्बिंग में भी हमें सब वर्क जो है प्लास्टिक का यूज़ करना है, तो आपका जैसे टेप हो गया, यानी नल जो वगैरह है, नल वगैरह है, तो आप प्लास्टिक का यूज़ करते हो, तो आप वहाँ पर कॉस्ट से हो जाएगा आपका 10,000-15,000 में ये प्लम्बिंग हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन का कॉस्ट यहाँ पे 50,000 के आसपास आ जाएगा, इसमें भी हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं जाना, कम से कम कॉस्ट में आपको करना है, तो कम से कम कॉस्ट में आपका कम से कम बता रहा हूँ ये 50,000 के अंदर आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा आइटम की बात करूँ तो एक्स्ट्रा आइटम का कॉस्ट मैंने यहाँ पे 10,000 लिया, ये एज पर वर्क होता है, कभी हमें कुछ एक्सपेंसिव आइटम या फिर एक्स्ट्रा आइटम लेने पड़ते हैं तो उसके लिए हमने ये एक्स्ट्रा आइटम रखा है। यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा आइटम देखूँ तो 10,000 टोटल अमाउंट रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की मैं बात करूँ तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसका 10,52,900 रुपये आ रहा है, यानी 10,52,900 रुपये में आपका ये 1200 स्क्वायर फीट का लो कॉस्ट हाउस एस्टिमेट बन सकता है। तो कम से कम अमाउंट था ये, यानी कम से कम जो अमाउंट है वो आपको 10.5 लाख रुपये चाहिए दोस्तों। अगर मैं आपको कम से कम बजट दूँ तो वो मिनिमम से मिनिमम आपका जो बजट होना चाहिए वो 10 लाख होना चाहिए, 10 लाख से अगर आप कम बजट रखते हैं तो एक अच्छा मकान नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने मतलब जो क्वालिटी है, जैसे आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने सिर्फ जो आपका फिनिशिंग आइटम है, जैसे आपका टाइल्स हो गया, आपका पेंट हो गया, आपका प्लम्बिंग हो गया, जो एक्सटीरियर आइटम है जो नेसेसरी नहीं है, जिससे बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो आइटम हमने यहाँ पे उसमें ही कॉम्प्रोमाइज़ किया। अदरवाइज आप बिल्डिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब कॉस्ट कम करने के लिए बिल्डिंग में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो मैं इस टाइप का एस्टीमेट रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। तो कैसा लगा आपको ये एस्टीमेट मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ये वीडियो किसी की हेल्प कर सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए।